अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स के। और सबसे पहले दोस्तों आज हम 21 अगस्त 2019 के बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात होगी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन अक्टूबर से हाई कोर्ट बोर्ड ने दिया टाइम टेबल। जी हाँ दोस्तों, अब शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन आपका अक्टूबर माह से आने वाला है। उसके बाद दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट हम देखेंगे कि फर्जी वेबसाइट बनाकर दी शिक्षकों की नियुक्तियां स्कूलों में नौकरी के नाम पर, एक एक अभ्यर्थी से 10-10 लाख रुपए की वसूली की गई। जी हाँ दोस्तों, सोचिए आप लोग कि फर्जी वेबसाइट के माध्यम से बच्चों से 10-10 लाख रुपए ले लिए गए। सीटेट को 18 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ दोस्तों, सीटेट अगर आप फॉर्म डालना चाहते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो 18 सितंबर से पहले पहले अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद अगली बड़ी खबर क्या आ रही है आपकी कि 68,500 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 9 अभ्यर्थियों की नियुक्ति होती है। प्रस्ताव भेजा गया दोस्तों 41,556 अभ्यर्थियों में से शामिल होने के बाद भी नियुक्ति से थे वंचित। प्रदेश के एडेड स्कूलों में शिक्षकों के 42,000 पद खाली हैं। सत्यापन बाद जल्द निकलेंगी भर्तियां। जी हां दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल समेत 3 मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर कर दिए गए। मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। 40, 45 और 60, 65 को लेकर क्या अपडेट है उस पर भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि आज के बड़ी अपडेट्स आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले दोस्तों आपको देखिए सबसे बड़ी अपडेट की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन अक्टूबर से होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के 4,329 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी और पीजीटी की भर्ती के लिए अक्टूबर से आवेदन लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक केस के सिलसिले में हाल में ही हाईकोर्ट में भर्ती का टाइम टेबल दिया है। अक्टूबर में प्रस्तावित इस भर्ती को चयन बोर्ड के तकरीबन 4 दशक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती माना जा रहा है। शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना 7 अगस्त तक ले ली गई है। टाइम टेबल के अनुसार विज्ञापन जारी होने की तिथि 1 महीने यानी 30 नवंबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा मई 2020 में होगी और प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा के 1 महीने के अंदर जून 2020 में उत्तर माला जारी होगी। उत्तर माला पर मिलने वाली आपत्तियों का निस्तारण अक्टूबर 2020 तक कराएंगे और लिखित परीक्षा का परिणाम दिसंबर 2020 तक घोषित होगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन और साक्षात्कार जनवरी से अगस्त 2021 तक होगा। अंतिम परिणाम सितंबर में घोषित करने के साथ ही अक्टूबर 2021 में संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को चयन शिक्षकों का पैनल भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये क्या नौकरी दे रहे कि क्या कर रहे हैं आप लोग, सोचिए यार। अब 2021 तक शिक्षक भर्ती चली गई, 2019 आज चल रही है। आप वीडियो आप देख रहे हैं, आज कितनी तारीख है आपको पता होगा, 21 अगस्त 2019। अब आपको नौकरी 2021 में जाकर मिलेगी, क्या है ये सब पंगा कि नहीं? अक्टूबर 2021 में चयन बोर्ड पूरी करेगा टीजीटी पीजीटी भर्ती, बहुत ही ज्यादा दोस्तों दिक्कत होगी। तो दोस्तों काफी ज्यादा लंबा समय लगने वाला है अगर आप लोग वेट कर रहे हैं अगर टीजीटी पीजीटी के लिए, तो आप सोच लीजिए 2021, 2 साल का वेट है, तो आपको देखना है क्या करता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे फर्जी वेबसाइट बनाकर दी शिक्षकों की नियुक्तियां, क्या है पूरा मामला कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है। जालसाज गिरोह ने बोर्ड की फर्जी वेबसाइट पर फर्जी चयन सूची अपलोड कर सहायता प्राप्त स्कूलों में नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए हड़प लिए। प्रदेश में सहायता प्राप्त स्कूलों में सहायक अध्यापकों की फर्जी नियुक्तियों के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, मगर इस बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाकर भर्तियां की गई। बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त स्कूल में 2010 की विज्ञप्ति से भर्ती की जा रही है। गिरोह ने इन्हीं भर्तियों के अभ्यर्थियों को अपना शिकार बनाया, उनसे लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, महोबा, भदोई, रायबरेली, महाराजगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, कहां कहां से कई जिलों में सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियां की गई। विभाग की पड़ताल में अभी तक 2 दर्जन से अधिक फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति होना पाया गया है। सूत्रों के मुताबिक गिरोह ने एक एक अभ्यर्थी से नियुक्ति के लिए 10-10 लाख रुपए की वसूली की है। तो सोचिए दोस्तों यार, फर्जी वेबसाइट बनाकर भी लोग टीचर बनाते हैं, उसके बाद 10-10 लाख रुपए आप लोग दे देते हैं, तो ये सब सोचा करिए कि आप पैसा दे किसको रहे हैं। 10 लाख रुपए दोस्तों कुछ होता है? 10 लाख रुपए ऐसा तो है नहीं, छोटी सी रकम आप लोग गए दे देते हैं। तो
ये मत किया करिए, गलत चीज है दोस्तों। और आप लोग बताइए, 10 लाख रुपए आप सोच लीजिए, वो रिफंड भी नहीं होने वाले हैं, वो जा चुके हैं। फर्जीवाड़ा खुलने के बाद हरकत में आया बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की फर्जी वेबसाइट से सहायता प्राप्त स्कूलों में फर्जी नियुक्तियां होने के बाद बोर्ड प्रशासन हरकत में आया है। बोर्ड ने मंगलवार को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को नियुक्ति पत्रों का सत्यापन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही करने के निर्देश दिए। वेबसाइट पर सत्यापन के लिए वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में यूआरएल का उपयोग करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, होता है क्या है ना, आज के दिन जो ये बनाते हैं वेबसाइट्स, गवर्नमेंट साइट होती है, उनकी एसईओ बहुत कमजोर होती है। एसईओ होती क्या दोस्तों, इसको आपको समझना पड़ेगा। एसईओ का फिलहाल बेसिक आप समझ लीजिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग सीटेट भी सर्च करते हैं तो अगर सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर नहीं आती तो उनका एसईओ कमजोर है। तो यही होता है दोस्तों, सरकारी वेबसाइट का एसईओ डाउन होता है, उसके वजह से दोस्तों जो फेक वेबसाइट होती है, फर्जी वेबसाइट होती है, वो ऊपर से हो जाती है। तो कैसे खुला था मामला दोस्तों, इसको देख लेते हैं, क्योंकि यार ये सबके लिए जरूरी है कि लखनऊ जिला विद्यालय निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह को 2 नियुक्ति पत्र मिले। इनमें वाराणसी आशीष श्रीवास्तव को लखनऊ स्थित कुमरावा इंटर कॉलेज और औरैया के मोहम्मद समीर खां को लखनऊ स्थित आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय अहमामऊ आवंटित किया गया था। डीआईओएस ने नियुक्ति पत्र सत्यापन के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजे, तो बोर्ड ने दोनों नियुक्ति पत्र को फर्जी करार दिया। इसके बाद डीआईओएस मुकेश कुमार सिंह ने नियुक्ति की सूची का ऑनलाइन सत्यापन कराया, तो मामले की परतें खुलती गईं। पता चला कि गिरोह ने बोर्ड से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर उसमें चयनित शिक्षकों की सूची अपलोड की है। सूची में अधिकांश नाम तो चयनित अभ्यर्थियों के ही थे, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी शामिल कर दिए गए जो चयनित ही नहीं हुए थे। फर्जी सूची में अधिकारियों के हस्ताक्षर भी स्कैन कर लगाए गए थे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को सोशल मीडिया का यूज बहुत अच्छे से ना पता हो तो आपको वहां सावधानी बरतनी चाहिए। आपको पता होगा ना, सीटेट 2000 जो ये चल रहा है, 19 16 आपका दिसंबर तक, 18 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट www.ctet.nic.in, यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि आपके 9 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, 68,500 में जो कुछ बच्चे ऐसे छूट जाते हैं, तो थोड़ा आपको एक्टिव रहना चाहिए कि आप लोग की नियुक्ति जल्द से जल्द हो सके। बताइए, अभी तक आप लोग नियुक्ति भी नहीं पाए, कुछ बच्चे कब का नियुक्ति पा चुके हैं और आप लोग अभी तक भटक रहे थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, वही सूबे के एडेड स्कूलों में शिक्षकों के 42,000 पद खाली हैं। तो दोस्तों, ये हाई स्कूल इंटर वाला था आपका मामला जो चल रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये देखेंगे आज कि आप लोग को जो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा, 4 मंत्रियों का इस्तीफा, ठीक है। प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार बुधवार को सुबह 11 बजे से होगा, राजभवन ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रिमंडल में 20 से 22 नए चेहरों को शपथ दिलाई जाएगी। विस्तार के मद्देनजर वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, धर्मपाल सिंह, अनुपमा जायसवाल और अर्चना पांडे ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मंजूर भी कर लिए गए हैं दोस्तों, तो स्वतंत्र का इस्तीफा भी मंजूर। तो ये सब चीज तरह से इस्तीफा काफी हो रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना। तो बेसिक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों हुआ, पता ही चलेगा आगे चलकर। तो दोस्तों चलिए, अब हम बात करेंगे भाई आप लोग की 40 45 और 60 65 को लेकर क्या अपडेट है, जो हमारा मेन मुद्दा है 70,000 शिक्षक भर्ती में। सभी दोस्तों इतनी अपडेट निकल के आ रहे हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। नई भर्ती आने को दोस्तों तैयार हो चुकी है, लेकिन आप लोग का 40 45 और 60 65 की अपडेट कुछ आगे बढ़ती ही नजर नहीं आ रही, कितने दिन हो चुके हैं। और दोस्तों देखिए, जो टीजीटी पीजीटी की नौकरी भी जो आने की उम्मीद है, तो सोचिए कब नौकरी मिलेगी यार, 2021। तो मतलब काफी बच्चे सोच रहे थे चलो इधर भी हम ट्राई करेंगे तो नौकरी पा जाएंगे जल्द से जल्द, तो 2 साल वहां वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 साल खाली वेट की बात कही गई, आप लोग को पता है ये मामला भी कोर्ट से होकर गुजरेगा, लिख कर ले लीजिए आज। तो दोस्तों ये मामला काफी लंबा जाएगा, 2021 का मतलब है 2022 में शायद आपके चुनाव होने वाले हैं। तो अगर 2022 में चुनाव होगा तो फिर ये अगर सरकार चेंज हो गई तो समझ लीजिए ये शिक्षक भर्ती ही रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि आप लोग को पता है कि योगी सरकार ने भी ऐसा ही किया था। दो भर्ती आई थी, 12,460 और एक आपकी उर्दू शिक्षकों की, तो उर्दू शिक्षकों की तो भर्ती बची ही नहीं और 12,460 जैसे तैसे चल रही है। तो वही चीज है दोस्तों कि जब सरकारें बदलती हैं तो शिक्षक भर्ती ही लगभग समाप्ति की ओर आगे बढ़ जाती है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के तैयारी करनी चाहिए कि अगर ये सरकार जीतेगी तो आपको तो नौकरी मिल जाएगी या 69,000 के जैसे पेंडिंग चलेगी, लेकिन अगर ये सरकार हार गई तो शिक्षक भर्ती भी हार जाएगी और दोस्तों फिर से उसमें सीबीआई जांच होगी, ये होगा वो होगा, तो
तो मतलब लंबा समय आपको लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है अगर आपको बनाए रखना है तो 69,000 के साथ बनाइए, इस पर ही आपको नौकरी जल्द से जल्द मिलेगी। और नई नौकरी पर तैयारी करना दोस्तों गलत बात नहीं होती, लंबे समय तैयारी करिए। 2 साल तो आपने देख ही लिया ना, इसमें काफी स्लो प्रोसेस है दोस्तों शिक्षक भर्ती को, भर्तियों का मतलब। 69,000 का जो प्रोसेस था दोस्तों ये हमारा बहुत ही फास्ट और अच्छा था, लेकिन किस्मत ही खराब थी आपकी कि जिसने आपका विज्ञापन तैयार किया, विज्ञप्ति बनाई, उन्होंने भाई पासिंग मार्क को लेकर भूल ही गए कि पासिंग मार्क अगर आप दिन वो 60 और 65 या 40 45 कुछ भी लिख देते तो मामला क्लियर हो जाता, या एक लाइन ये लिख देते कि जब ये पेपर हो जाएगा उसके बाद हम पासिंग मार्क निर्धारित कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत ना आती। लेकिन दोस्तों होता है ना, अगर आप लोग को हम पढ़ लिख कर अगर आगे चलकर आप लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं ना कुछ भी बड़े पोस्ट पर, तो आप लोग के पास इतना दिमाग होता है कि आप शिक्षक भर्ती को कैसे फंसा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस यही चीज होता है दोस्तों, अगर उनको पता था पहले से कि अगर हम पासिंग मार्क निर्धारित कर देंगे कि हम बाद में इसका मतलब डिक्लेयर करेंगे, तो भी उनको पता था कि शिक्षक भर्ती फंसेगी नहीं। लेकिन दोस्तों इसलिए शिक्षक भर्ती आपकी फंसी है, देखते हैं कब तक क्या होता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों 40 और 45 को लेकर यही अपडेट से कि आपको वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए और अगले सप्ताह का इंतजार करिए। हो सकता है कि अगले सप्ताह आपकी सुनवाई होगी और उसमें ही दोस्तों कुछ अपडेट्स निकल कर आएगी। फिलहाल दोनों पक्ष काफी मजबूत हैं, ये मत सोचिए कि 40-45 हार रहा है या 60-65 जीत रहा है। 60-65 की टीम में भले सरकार खड़ी हो और 40-45 की टीम में दोस्तों आपकी कोर्ट खड़ी थी, सिंगल बेंच का फैसला इनके साथ है। तो दोस्तों चलिए अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसकी जीत होगी, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और आप लोग तैयारी करते रहिए टीजीटी पीजीटी के लिए। फिलहाल फिर मिलते हैं।